आज हम सीडीएस का सारा वो कैप करने वाले ठीक है सी में पूछे गए सारे वो कैप्स करेंगे CDS में इस बार तो आया नहीं है, इस बार का है ठीक है इस बार का है ये सी डी एस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वाला वो कैप मैंने आपको सी डी एस का एरेज करवा दिया है ठीक है स्पॉटिंग एरेज करवा दिया है सी डी एस का पी क्यू आर एस मतलब एस वन सिक्स करवा दिया आज हम वो कैप करेंगे बारी बारी से पैसेज वगैरह भी कर लेंगे सब बढ़िया है हाँ तो अपलूम को कैसे याद किया था हमने ओम से याद किया था ओम जब जब आपको जब आप, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस चला जाता है ओके आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो बेचैन हो जाते हो रेस्टलेस हो जाते हो विचलित हो जाते हो आपको बोला जाता है ना ओम ओम करो दिमाग सब सही रहेगा और आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो एप्लूम का मतलब होता है एकदम अपने अंदर कॉन्फिडेंस में रहना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इक्विली ब्रियम में रहना इक्विली ब्रियम का मतलब क्या होता है ना परेशानी आए तो बहुत जल्दी परेशान होना ना खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो जाना एकदम बैलेंस में रहना ठीक है बैलेंस्ड रहना बैलेंस में रहना इसका तो बहुत सारा वर्ड आपने किया भी है सैंगफ्रॉइड किया है आपने सैंगविन रहना मेंटल सैंगविन इक्विलिब्रियम में रहना ठीक है पॉइज पॉइज रहना तो ये आंसर हो जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है बहुत होपफुल रहना आशावादी अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना ओके ओके दिस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस भी भी बताया था भी रहना थानेशन okay? नहीं होगा डिटर्मिनेशन अलग वर्ड है डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय दृढ़ निश्चय अलग चीज है बट अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहना वो अलग चीज है तो आंसर इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम बैलेंसड रहना नेक्स्ट वाला बताइए हो सकता है कि ये आपके लिए नया वर्ड हो Condain. पहला वाला है इंग्रेडिएंट्स हम जो सामग्री यूज करते हैं कुकिंग में कलिनरी मतलब कुकिंग दूसरा है टू वन प्लेस एक ही जगह पे आपको कर देना कन्फाइन का मतलब है रिस्ट्रिक्ट कर देना एक ही जगह पे आपको कहीं और बंदी बना लेना रिस्ट्रिक्टेड पनिशमेंट अप्रोप्रिएट टू रॉन्ग डूइंग जिस अकॉर्डिंग आपने काम किया है गलत काम किया है उसके अनुसार पनिश और फॉर्मली अरेंज सिट डाउन डिनर अच्छा बता दो कंडाइन कौन कौन वो देख तो अच्छा ही लग रहा है है कांग्रेस कौन कौन का मतलब है एक साथ के अनुसार हाँ तो कंडाइन का मतलब होता है ना पनिशमेंट अप्रोप्रिएट टू रॉन्ग जो जो आपने गलत काम किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सजा मिल रही है जिसका हमने किया था ना पनिशमेंट भगवान की तरफ से जो निमिसिस मिलता है निमिसिस पनिशमेंट की देवी है इसका हमने रेट्रीब्यूशन भी किया था पनिशमेंट आपके गलती के अनुसार आपको पनिशमेंट कुछ नए वर्ड अगर सीख रहे हो तो लिख लेना इन कम्युनिकेडो कम्युनिकेटो नॉट वॉन्टिंग टू और एबल टू कम्युनिकेट ब्रेक डाउन एंड आइसोलेशन आइसोलेशन मतलब अकेला में रहना ब्रेकडाउन मतलब मेंटल डाउन हो जाना दुखी हो जाना और अकेलापन में रहना कम्युनिकेशन अक्रॉस सिमेंटिक सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब होता है मीनिंग सिमेंटिक का मतलब है रिलेटेड है मीनिंग से रिलेटेड टू मीनिंग या सिमेंटिक को हम दूसरे शब्दों में ना एडजेक्टिव फॉर्म में सिम्बॉलिक बोलते हैं अनब्रिज डेस्टिनेशन ठीक है वो डेस्टिनेशन जो अनब्रिज सेंटेंस तो तो से पता चल जाए ना कम्युनिकेटो मतलब कम्युनिकेट कर कम्युनिकेट और आपने पढ़ा है रूट वर्ड में इन का मतलब क्या होता है जैसे आपने इन डिफरेंट पढ़ा है का मतलब होता है फीलिंग ठीक है और अ का मतलब होता है नो तो अपैथी लोग जिसके अंदर फीलिंग नहीं है उदासीन है जैसे अ का मतलब रूट वर्ड में नो होता है ना वैसे इन का मतलब भी नो के तो नो कम्युनिकेशन किसी से आप कम्युनिकेट बातचीत करने के लिए रेडी नहीं हो या तो आपको मन नहीं कर रहा है, या आपको किया है। बात करने नहीं दिया जा रहा है नॉट और एबल टू आंसर आंसर इज गैस्ट्रोनॉमी ये तो आपने वन वर्ड में पढ़ा है गैस्ट्रोनॉमी ये गैस्ट्रो किससे रिलेटेड है गैस्ट्रो रिलेटेड है गैस्ट्रो वाले डॉक्टर के पास जाते हो ना गैस्ट्रो रिलेटेड है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ बच्चा यही सोचेगा कि अरे गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं मेरे डाइजेस्टिव तो गैस्ट्रोनॉमी उस उनके दिमाग में आएगा कि गैस्ट्रोनॉमी तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है तो वो ये करके आएंगे नहीं ठीक है गैस्ट्रोनॉमी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है लेकिन गैस्ट्रोनॉमी खाने पीने से भी तो रिलेटेड है खाना पीना भी तो आपके डाइजेशन से रिलेटेड है तो गैस्ट्रोनॉमी उस साइंस को बोलते हैं ना जैसे गैस्ट्रोनॉमी लोग होते हैं जिसको खाने पीने का बहुत अच्छा टेस्ट हो आर्ट एंड साइंस जो फूड और खाने पीने से डील यस, गैस्ट्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ ऑफ साइंस, साइंस आर्ट एंड फाइन फूड, जिसको फूड वगैरह की परख होती है, taste, eating, कौन सा खाना है किस समय पे खाना है, वो जो करता है ना कहीं से भी डाइजेस्टिव सिस्टम से नेक्स्ट ने एक्सपैट्रिएट टू रिमूव फ्रॉम अ सेटल लोकेशन किसी भी लोकेशन से किसी को रिमूव करना रेसिडेंट आउटसाइड कंट्री ऑफ सिटीजनशिप कोई भी रेसिडेंट है जो अपने कंट्री से बाहर है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट टू कॉन्ग्रीगेट आउटडोर चलो बता दो एक्सपैट्रिएट का मतलब है है बाहर बाहर करना ठीक है? करना मतलब बाहर करना ठीक तो एक्सक्लूड मतलब मतलब तो कॉन्ग्रीगेट का होता है जोड़ना आउटडोर दो तो ये नहीं होगा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है एक्सपेट्रिएशन जानते हो ना वनवास देश निकाला अपने कंट्री से बाहर भेज देना बैनिश करना एक्सपेट्रिएशन तो आप हो सकता है ए और बी में कंफ्यूज हो सकते हो ठीक है एक्स्पै, एक्सपा एक्सपैट्रीट का मतलब होता है ना कंट्री से बाहर टू और यहाँ पे दिया टू रिमूव फ्रॉम अ लोकेशन आप अपने कंट्री के अंदर ही किसी लोकेशन पे सेटल्ड हो और आप uh, कहीं दूसरे जगह आपको रिमूव कर दिया गया okay. तो ये तो हो सकता है एक ही कंट्री में एक जगह से दूसरे लोकेशन पे जा रहे हो बट एक्सपैट्रीट मतलब देश निकाला कंट्री के बाहर आपको भेज रह रहे कंट्री okay, के बाहर आप इस कंट्री के सिटीजन हो लेकिन आपको बाहर रहना पड़ रहा है कंफ्यूज नहीं होना है नहीं अब आ जाओ यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स ठीक है ये वाला वर्ड आया था अभी कुछ वो क्या ना ग्रीक और लैटिन वाला जो था उसको तो अलग से करवा दूंगी मैं और वो भी बैच में करवा दूंगी जो होता है ना कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन अजम्पशन एंड एक्सर्शन एक नया टाइप का क्वेश्चन आया था सीडीएस में हो सकता है थोड़ा सा सीडीएस ने पैटर्न बदला है ओके तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है तो वो वो भी हम कर लेंगे ठीक है अभी हमने बस पांच ये किया ठीक है सिनोनिम्स था जिसको बोरोड वर्ड के नाम से उन्होंने दिया हुआ था अब आ जाओ यूज़ ऑफ़ फ्रेज़ल फ्रेज़ल का आंसर मैं आपका वेट करूंगी आपका आंसर खुद बताने शी वॉज एडवाइज बाय हर कोच कोच के द्वारा उसको एडवाइस किया गया टू डैश टू फॉर्म इफ शी वॉन्टेड टू डू वेल इन द टूर्नामेंट अगर आप टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर, करना चाहते हो ना तो आपको फॉर्म में दोबारा दोबारा फॉर्म में आना होगा हम्म गेट वाला फ्रेजल वर्ब में आपको पता ही है चलो पैटर्न चेंज सिर्फ कुछ क्वेश्चंस का था पूरी तरह से पैटर्न थोड़ी बदल दिया कुछ ही क्वेश्चंस का था आ, अच्छा मैंने आपको बताया गेट अलोंग का मतलब होता है ना फ्रेंडली फ्रेंडली रिलेशनशिप ये तो आपको फ्रेजल वर्ब के बैच में गेट वाला में तो हमने यूट्यूब पे भी पढ़ा है फ्रेंडली रिलेशन दोनों फ्रेंड्स आर गेटिंग अलोंग वेल इन बिजनेस मतलब दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो ना दोनों के बीच में तालमेल हो ना और ये जो गेट ऑन है ना इसका भी बहुत सारा मतलब होता है एक तो गेट ऑन का मतलब है लाइफ में प्रोग्रेस करना आगे बढ़ना ठीक है और एक गेट आउट का मतलब फ्रेंडली भी होता है गेट ऑन का मतलब भी फ्रेंडली होता है गेट अलोंग का मतलब भी फ्रेंड और ये गेट अलोंग का एक और मतलब होता है गेट अलोंग का मतलब होता है ना डील सक्सेसफुली मतलब किसी भी सिचुएशन से सक्सेसफुली डील करना कोई भी आप मुसीबत से या कोई भी डिफिकल्टी आ गया है उससे उससे सक्सेसफुली डील करना डील विद विथ सिचुएशन या डिफिकल्टी भी लिख सकते हो सकते ये वाला जो याद रखना कि ठीक है ये वाला में कंफ्यूज मत होना गेट अलोंग का मतलब भी फ्रेंडली होता है और गेट ऑन का मतलब भी होता है फ्रेंडली हो गया दोनों के बीच में बहुत फ्रेंडली रिलेशन है सब चीज एक शांतिपूर्वक चल रहा है बट गेट ऑन का दो मतलब और होता है एक होता है प्रोग्रेस करना लाइफ में और एक है किसी सिचुएशन से डील गेट डन का मतलब है कोई काम किसी से करवाना तो ये देखो ना ये कौन सा डिफिकल्ट था गेट बैक ठीक है गेट बैक टू द फॉर्म गेट बैक जैसे टीचर बोलते हैं ना गेट बैक टू योर प्लेस मतलब अपने प्लेस पे वापस हो जाओ तो कोच बोल रहे हैं कि अपने फॉर्म में वापस आ जाइए अगर आप टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं गेट बैक गेट बैक मतलब जो फॉर्म में आप थे रिटर्न टू योर फॉर्म रिटर्न टू प्रीवियस पोजिशन या प्रीवियस कंडीशन प्लेस और कंडीशन जैसे पहले आपका फॉर्म था आपको उसी फॉर्म में रिटर्न हो जाना है तो इसमें तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं था ट get बैक back, get back. जैसे टीचर जैसे आप लोग लो को मैंने थोड़े देर के लिए स्कूल में टीचर छुट्टी देते ये होते। उसको टीचर बोलते है मतलब तो मुश्किल नहीं था गुड बाय उसने गुड बाय बोला है और चल दी रोड की तरफ थोड़ा सा आप ऑप्शन को कर सकते हो ना वेट कर रही हूँ फ्रेजल वो का आराम से अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको ऑप्शन छाटना होगा उसने गुड बाय बोला गुड बाय बोला और वहां से चली गई ट्रिप आउट जैसे कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हाँ तो ट्रिप कर जाता है इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप ट्रिप हो जाता है थोड़ी देर के लिए तो एक ट्रिप आउट का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाए ओके और एक ट्रिप आउट का मतलब ये भी होता है ऑन हाई ऑन हाई का मतलब है थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो किसी ने आपको कोई ड्रग वगैरह दे दिया है शराब वगैरह ड्रग वगैरह पिला दिया और उसके अंदर में आप अनकॉन्शियस हो गए अगल बगल क्या हो रहा है नहीं बदना और ट्रिप ओवर का मतलब है लड़खड़ाना, स्टम्बल स्टम्बल एंड फॉल डाउन स्टम्बल ट्रिप ओवर किसी चीज पे आपका पैर पड़ गया है और आप लड़खड़ा के गिर गए ट्रिप इन तो है ही नहीं ट्रिप इन तो कोई वर्ड है ही नहीं तो ट्रिप इन नहीं होगा अच्छा मैंने आपको अपने वॉक वर्ड पर यह किया ना ही वॉकड ही वॉक डाउन द रोड वॉक डाउन का मतलब होता है पैदल चलना रोड road. Road पे पैदल चल रही है He walked off. He walked off. Walked off का मतलब होता है ना मतलब walk off का मतलब होता है कहीं से निकल जाना ऑफ में सेपरेशन होता है ना टू लीव अ प्लेस ठीक है ही वॉकड ऑफ मैंने उसको कोई काम करने के लिए बोला और शी वॉकड ऑफ मतलब वो वहां से चली गई जगह ही छोड़ के वहां से चली गई तो यहाँ वही है उसने गुड बाय बोल के और वहां से वो निकल गई उस जगह से निकल गई रोड की तरफ अलोंग द रोड तो ट्रिपड ऑफ होगा ट्रिप्ड ऑफ है ऑफ 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 द रोड इन द रोड नहीं होगा ट्रिप्ड ऑफ सी ऑफ सी ऑफ बाय करके वहां से निकल गई सेपरेशन हुआ द टीम रिपोर्टेड इसने क्या किया है ना थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा ना बदला मतलब क्या बोलो जैसे वॉकड ऑफ किया है ना वॉकड ऑफ ना लिख के इसने यहाँ पे ट्रिप ऑफ कर दिया और यहाँ भी यहाँ भी आपको शायद आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए तो आप कर लो इसमें से तो आपको रन ओवर पता ही है रन ओवर का मतलब है कुचल देना क्रश ठीक है किसी चीज को कुचल देना ही वॉज रन ओवर बाय अ कार कुचल देना किसी ऊपर से आपका पैर पड़ के कुचल दे ही वॉज रन ओवर बाय अ कार पोर इन पोर का मतलब ऐसा बोलो कि मैम पोर का मतलब तो डालना है कॉफी वगैरह चाय वगैरह कहीं पर डालते पोर इन पोर ओवर या पोर फ्लाइड ओवर का मतलब होता है ना कोई भी चीज दोनों का मतलब एक ही है लार्ज क्वांटिटी में द क्राउड्स वर्क लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज नंबर्स में कोई भी चीज की मात्रा ज्यादा है या संख्या ज्यादा है दोनों का मतलब सेम है अब आपको क्या करना है अब देखो, देखो आपको वो किया है ना लुक ओवर आपने लुक वर्ड में किया है न, आपको मैंने लुक ओवर और लुक थ्रू करवाया था लुक थ्रू द या गो थ्रू करवाया है ओके गो थ्रू या गो ओवर तो लुक ओवर गो ओवर का उसी तरह ना इसने दिया है ओवर वाला पोर ओवर पोर ओवर का मतलब भी है उसने डायरेक्ट ना पूछ के ये लुक ओवर गो ओवर का पोर ओवर पूछ दिया पीओ आर ई ठीक है पीओ आर ई वाला तो ये पोर ओवर का मतलब भी होता है किसी भी चीज को ध्यान से एग्जामिन करना तो ये बोल रहे हैं द टीम रिपोर्टेड टीम ने रिपोर्ट किया है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से देख लिया है ओके विथ टूथ एंड कोम देख लिया है रिकमेंडेशन देने से पहले रिकमेंडेशन के लिए फॉरवर्ड करने से पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया जैसे बोलते हैं ना गो ओवर द डिटेल ओके लुक ओवर गो ओवर गो थ्रू एग्जामिन करना एग्जामिन एग्जामिन तो आपको लगेगा ना ओवर वाला होगा तो ओवर तो इसमें भी है ओवर तो इसमें भी है बट ये वाला पोर ओवर का मतलब है कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा या संख्या में होना तो आंसर इज ओ आर ई ओ आर अब आ जाओ हाँ द बॉय क्राउड इंस्पेक्ट करना कैरीड आउट कैरी ऑन फ्लो ऑन प्लेड ऑन हाँ टाइम दे रही हूँ ताकि आप अपना ऑप्शन को एलिमिनेट करो हाँ कैरी ऑन कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना ये देखो ये बोल रहे जो शोर शराबा बॉयस्ट्रेस क्राउड इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी पोर हो रहा था देखो पोरिंग रेन पोरिंग रेन का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हो रही थी ओके और फिर भी ये अपना मौज मस्ती कर रहे थे ओके वो अपने आप को एंजॉय कर रहे थे बारिश के बा, बावजूद भी दे कंटिन्यूड एंजॉयंग कैरीडन और कैरी आउट का मतलब है किसी भी चीज का पालन करना एग्जीक्यूट करना इम्प्लीमेंट करना लागू करना माई ऑर्डर्स वर कैरी आउट कैरी आउट माई ऑर्डर्स मेरे ऑर्डर्स को आज्ञा का पालन करो एग्जीक्यूट करो इम्प्लीमेंट करो ओके प्ले ऑन Uh, हम किसी पे प्ले ऑन करते हैं मतलब अपने फायदे के लिए हम उसका गलत तरीके से ओके okay, करते हैं प्ले ऑन कर रहे हैं मतलब किसी के साथ एक्सप्लॉयट कर रहे हैं किसी को ट्रिक कर रहे हैं अपने फायदे के लिए उसका शोषण कर रहे हैं और फ्लो ऑन मतलब प्रोसीड होना अपना रास्ता बनाना प्रोसीड होना बट यहाँ पे तो आप आराम से कर सकते थे इतनी बारिश हो रही थी उसके बाद भी क्राउड कंटिन्यूड इंजॉइंग नेक्स्ट द गूंस गूंस का मतलब होता है बदमाश okay, बदमाश शैतान

डाउन ये सब तो किया है जॉट डाउन और एक सेट डाउन का मतलब होता है किसी वाहन से उतरना ओके okay? डिबोर्ड कर डिबोर्ड मतलब किसी वाहन वगैरह से आप गाड़ी वगैरह से उतर रहे हो अलाइट सेट अलोंग इज प्रोसीड करना आगे बढ़ना तो ये तो आपको कई बार बताया है सेट ऑन हो या सेट अप ऑन इसका मतलब है अटैक करना ओके सेट अलॉन्ग का मतलब हो ना कोई भी चीज को मतलब स्टार्ट करना बिगिन करना ओके okay? कोई भी चीज मेरी मेकिंग का मतलब है मेरी क्रिसमस होता है ना हैप्पी क्रिसमस मस्ती करना आ, तो सेट ऑन और सेट अप ऑन दोनों आ सकता है सेट अप ऑन का मतलब होता है ना अटैक करना तो यहाँ पे क्या दिया है जो बदमाश है ना ये अटैक किया जब ये विक्ट अंधेरे में जब वॉक कर रहे थे ओके किसी गली वगैरह में घुस रहे थे तो वहां पे अटैक किया अटैक ओके ऑप्शन सेट डाउन का मतलब तो आपने वर्ब में किया है सेट अलाउन का मतलब है कोई भी चीज को बिगिन करना स्टार्ट करना ठीक है क्या है फ्रेजल वर्ब्स में एक बार नंबर बता दीजिए फ्रेजल वर्ब्स में कितने नंबर आए मेरी मेकिंग मेरी का मतलब है ना खुशी मनाना एंजॉय करना ये सब आपको देखो थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा ना आपका ठीक है ये वाला तो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए ठीक ये ये गेट गेट मतलब तो है तो थोड़ा बहुत रॉन्ग हो सकता है थोड़ा बहुत रॉन्ग हो सकता है लेकिन जो बच्चा दिमाग लगाया होगा ना ऑफ वॉक ऑफ का मतलब वहां से निकल जाना किसी जगह छोड़ के निकल जाना वॉकड ऑफ थोड़ा दिमाग लगाया होगा तो ऑफ आएगा हाँ स्प्रिंग अपॉन स्प्रेंग अपॉन और ये वाला भी थोड़ा सा दिमाग लगा इसमें चलो रन इसमें चलो हमारे बच्चा गलत कर सकता है गलत कर सकता है कि ओवर ओवर दोनों आ रहा है मैम तो कौन वाला ओवर लगा चलो एक नंबर काट लिया मैंने एक नंबर यहाँ कट कर दिया ये तो कर सकते हो कैरी ऑन ओके कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करो कैरी ऑन करो कंटिन्यू इतनी भारी की बारिश के बावजूद भी ना सब कंटिन्यूसली अपना मौज मस्ती कर रहे थे ये तो रोंग होने का चांसेस नहीं है और ये भी ये तो एकदम रॉन्ग होने का चांसेस यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स भी जो हमारे हैं पेड बैचेस में तो बहुत बार बताया YouTube पे भी जो पढ़ाया है उसमें सेट अप ऑन है मैंने बोला था ना सेट सेट ऑन ऑन भी 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 हो सकता, भी, भी हो सकता सकता है है इसका मतलब है हमला करना इसको मैंने पाउंस वर्ड से भी करवाया था द पाउंस अपॉन हमला करना अटैक करना अटैक अटैक करना फ्रेजल वर्ब्स पढ़ोगे तभी ओके फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ना हो अब आ जाइए एंटोनिम्स पे एंटोनिम्स कर रिजल्ट पढ़ना होता है तब जाके करेक्ट होता है देखो यहाँ पे संचिता है अब कुछ ब, यहीं पे कुछ बच्चे हैं, ठीक है एक रॉन्ग हो सकता है वेरी गुड यहीं पे कुछ बच्चा है जो वेरी गुड में और यहीं पे कुछ बच्चा है जिसका 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 जीरो भी आया हो ठीक है जीरो भी आया होगा तो पढ़ तो सब लोग सेम ही रहे हो बट क्यों इस बच्चे का फोर आया है और इसका जीरो आया है और जो नहीं पढ़े हैं उसका तो जीरो आएगा चलो इक्वनिमिटी इक्वेटी का मतलब एकदम इक्वल रहना शी एक्सेप्टेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ हर मेडिकल विद इक्वेनिटी इक्वेटी मतलब एकदम बैलेंस मतलब एकदम कूल एंड काम ओके शांति से ओके वेरी पीस वेरी कूल वे में शांतिपूर्वक उसने एक्सेप्ट किया ट्रैंक्विलिटी भी का मतलब भी होता है पीस प्लेसिडिटी प्लेक का मतलब भी होता है शांति और और cool का मतलब भी 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 है है शांति ये तीनों इसका है। और जब भी वो वो पूछते ना तो वो भी डाल देते एजिटेशन एजिटेट होना मतलब एकदम डिस्टर्ब okay? अपना एकदम डिस्टर्ब हो एकदम टर्बुलेंस में हो टर्बुलेंस तर्ब, है डिस्टर्ब ओके ओवर हो ओवर हो कॉन्स्टर्नेशन कॉन्स्टर्नेशन का मतलब भी होता है एकदम नर्वस होना मानसिक संतुलन मानसिक नहीं मतलब एकदम नर्वस हो जाना एजिटेटेड हो ओके तो आंसर इसका यही है बाकी का दोनों तीनों तो इसका था नेक्स्ट हम लोग अभी एंटेनिम कर रहे हैं ठीक है आप आंसर बताओ तब तो तक मैं यहाँ पे कुछ रेडी कर रही हूँ ये सब वर्ड्स में ना आपका कंफ्यूजन होता है देखा है मैंने ये सब वर्ड्स में आप कंफ्यूज होते सेटअप करना स्थापित करना बिजनेस वगैरह सेटअप करते हैं आंसर बताइए इसका नहीं नहीं आंसर बच्चे बोल रहे हैं एंटेनिम बताना है एंटेनिम एंटेनिम इसका सबड्यू है वेरी गुड आंसर इसका सब डी हुआ अब मेरे को ये सारे वर्ड का मतलब बताओ अच्छा एक्टिव जहाँ पे हमारा कर्ता एक्टिव होता है इनएक्टिव डल और इमेसिव का मतलब क्या होता है इमपैसिव का मतलब होता है लैक ऑफ इमोशन उदासीन इन लैक ऑफ अब हमारे स्टूडेंट्स इसमें हो सकता है कंफ्यूज हो बोलेंगे मैम पैशन का मतलब तो पूरा एनर्जी जुनून एंथुजियाज्म के साथ और इम का मतलब तो होता होगा ना इम का मतलब तो नो पैशन है क्योंकि यहाँ इम वाला वर्ड नेगेटिव सेंस में जा रहा है तो यहाँ भी इम भी तो नेगेटिव सेंस में जाना चाहिए ना हर जगह इम नेगेटिव नहीं जाता है इम्पोर्टेंट में इम तो नेगेटिव नहीं जाता है तो इम पैशन का मतलब होता है ना फुल ऑफ ओके इम पैशन का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन के साथ पूरे उत्साह और जोश और दृढ़ निश्चय के साथ तो ये वर्ड काइंडली कॉपी कर लीजिएगा कंफ्यूज नहीं होना है

इस आइडिया का विरोध करने के लिए ना उसने पूरा जीजन लगा दिया डिटर्मिनेशन पूरे उत्साह एनर्जी के साथ उसने आइडिया का विरोध किया आर्डेंट का मतलब भी होता है पूरे उत्साह के साथ फॉरबेंट का मतलब भी होता है पूरे उत्साह के साथ और इंपैशन देखो इंपैशन ठीक है इंपैशन जो है इंपैशन का मतलब भी होता है पूरे उत्साह और एनर्जी के साथ इसने इस आइडिया का विरोध किया

मुझे लग रहा है ना कि इस दोनों वर्ड में आप कंफ्यूज हो सकते हो बच्चे को लगेगा मैम पैशन का मतलब तो जुनून और इम्पैशन का मतलब है जुनून की कमी नहीं इम्पैशन मतलब यहाँ भी जुनून है एनर्जी है सब डिटर्मिनेशन है ओके वहीमेंट का मतलब होता है ना बहुत तीसरा जाओ ही इंडेलजेस इन नेफेरियस नेफेरियस में क्या दिक्कत है

Uh, और भी बहुत वाइल वाइल भी खराब एक्टिविटीज को बोलते हैं करप्ट वगैरह लिखवाई दिया था और रिबॉल ठीक है लिय बहुत सारा कितना सारा लिखू इतने सारे एक्टिविटीज है तो ये नेगेटिव वर्ड है निफेरियस वो अपने आप को गलत काम में एंगेज रखता है तो ये नेगेटिव वर्ड है और इसका एंटेनिम पूछा है तो एंटेनिम तो हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना जब ये नेगेटिव है जो वर्ड आया है नेगेटिव है और इसका उल्टा पूछा तो इसका उल्टा पॉजिटिव है फ्लजिशियस का मतलब है उसने भी अपने फ्लैग को और बेच दिया तो ये भी करप्ट है ये से, इसको एक्सक्रीशन से याद कर लो एक्सक्रीशन एक्स एक्सक्रीश, एक्सक्रीट करना मतलब बाहर फेंकना बाहर हटाना बॉडी से तो जो चीज गलत होता है ना उसको बाहर हटाते हैं तो एक्सक्रिएबल का मतलब भी होता है बहुत खराब वेरी इंसल्टिंग तो ये भी तो नेगेटिव वर्ड है ये भी हट गया और ये वाला एबोमिनेबल करवाया था बॉम्ब

ओके okay, जब वो जन्म लिया था ना उस समय उसका फैमिली इंडिजेंट था तो देखो क्या था ये वाला मैंने आपको पढ़ाया भी है ओके okay? जब ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा ना तो यूट्यूब वाले बच्चे भी कंप्लेन नहीं करेंगे मैम हमने तो नहीं पढ़ा है सब पढ़ा दिया होमोनिम्स में इंडिया के जेंट्स ऐसा पढ़ाया था इंडिया के जेंट्स गरीब है तो इंडिजेंट का मतलब होता है बहुत पुअर एक मैंने आपको बताया है इंडिजीनियस इंडिजिनियस प्रोडक्ट मतलब स्वदेशी नेटिव लोकल प्रोडक्ट्स को बोलते हैं स्वदेशी स्वदेशी हिंदी में लिख लो। बोलो कि लोलोम हिंदी में नहीं लिख लो लिखो इसको गरीब लिखो और ये स्वदेशी लिखो और यहाँ मतलब तो जब वो बॉर्न हुआ था ना तो उसका फैमिली गरीब था तो गरीब का उल्टा क्या होगा प्रिटेंशियस का मतलब है पाखंडी दिखावा करना हिपोक्रेट प्रिटेंड करना जो आप हो नहीं और दिखा रहे का मतलब भी होता है गरीब लेकिन ये तो इसका सीनेम हो गया ना हमें तो एंटेनिम करना है ना ओके okay? पिक्यूनरी पैसे से रिलेटेड है और जिसके पास पैसे नहीं है अफ्लुएंट का मतलब होता है रिच फ्लू एकदम फ्लो कर रहा है उसके घर में पैसे फ्लो कर रहे हैं अमीर है और का मतलब तो बर्बाद बर्बाद hmm. तो, नहीं इंडिया के एजेंट नहीं बोला था वो तो दिल्ली का एजेंट बोला था डेलीजेंट में इंडिया के एजेंट थोड़ी बोला हार्ड वर्किंग ओके तो आंसर इसका हो गया। का मतलब होता है बहुत प्रॉस्परस रिच वेल्दी फैमिली में उसका जर्न नेक्स्ट ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलशियस डेसोलेट ट्रैंकवेल

स्टीरियो सिस्टम से याद करवाया था स्टीरियो सिस्टम जब आप बजाते हो तो कितना शोर शराबा वाला म्यूजिक आता है तो का मतलब होता है वेरी नॉइजी शोर शम, शराबा कंट्रोल से बाहर भी बता बॉयज लोग क्लास में बहुत शोर शराबा करते हैं वोसी फर्ज भी वो शोर शराबा हल्ला हंगामा कंट्रोल से बाहर सब डिस्टरबेंस में है तो ये तो इसका सिन्हा हो गया डेसोलेट का मतलब होता है डेसोलेट का मतलब होता है वेरी सैड sad है बहुत अकेला है lonely है capricious भी बड़ा है kepri उसको समझ में नहीं आ रहा था फुल पैंट पेनो हाफ पैंट पेनो कि kepri पेनो तो capricious लोग थोड़े से fickle होते हैं क्या fickle minded लोग कौन होते हैं unpredictable कब क्या कर दे ना कभी उनका मन ये करेगा unstable लोग ओके okay, कब कैसे बिहेव कर दे ना whimsical होते erratic होते इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता इनका मूड मर्क्यूरी की तरह पारा कभी इनका मर्क्यूरी को इंग्लिश में हिंदी में पारा बोलते कभी इनका पारा हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है मतलब कब कैसे बिहेव कर दे नहीं तो ट्रें का मतलब तो शांति होता है तो यही आंसर होगा ना डिस्टर्ब डिस्टर्ब का शांत मतलब चलो बताओ एंटोनिम्स में कितना स्कोर किया अगर पांच में पांच नहीं आएगा ना तो बता कोई एक वर्ड है नहीं है जो आपको नहीं आता था सब आता था फाइव में फाइव आई नीड स्कोर बताइए डेंटी अलग हो गया डेंटी का मतलब तो बहुत डेलिकेट फसी लोग और डेंटी भी थोड़ा अनस्टेबल ही होते हैं स्कोर बताइए फोर आया है फाइव आया है फाइव आया है फोर आया है फाइव आया है मतलब फाइव और फोर के बीच में ही आया है हाँ तो यही वाला मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जिनका फोर आया है ना आज वो लंच नहीं करेंगे ठीक है वो सीधा रात में खाना खाएंगे और जिनका फाइव में फाइव आया आराम से चिल करेंगे जितना मन हो आप अपना लंच डिनर कर सकते एडीएम एंड फ्रेजेस में ज्यादा टाइम नहीं दो ठीक है एडीएम एंड फ्रेजेस में ज्यादा टाइम नहीं देना बहुत इजी इजी आया था एक क्वेश्चन को लेकर ना बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी है ओके मेरे पास स्टूडेंट्स के लगातार टीम के पास भी और मेरे पास भी एक दो मैसेजेस आए थे एक क्वेश्चन को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी और सब मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि मैम यूट्यूब पे ना यूट्यूब पे आपका आंसर अलग है और बाकी टीचर का आंसर अलग है लेकिन मैं बाकी टीचर को देख के अपना आंसर नहीं बदलूंगी मेरा आंसर वही रहे मास्टरफुल और एक मास्टरली को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन ठीक है मास्टरफुल और मास्टरली को लेकर कंफ्यूजन है और ऐसा नहीं है ना कि सीडीएस तुरंत आंसर की रिलीज कर देता है कि हमें पता चल जाएगा ठीक है ठीक है बाकी टीचर का अलग है लेकिन फिर भी मैं अपना आंसर अलग ही रखूंगी मैं, मैं मेरा आंसर क्यों अलग है इसके पीछे का मैं लॉजिक बताऊंगी क्योंकि मैं तो देखती नहीं हूँ ना क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे स्क्रीनशॉट बोल रहे हैं कि मैम आपने आंसर फोर्थ बताया है ठीक है आपने आंसर फोर्थ बताया है और बाकी टीचर्स ने उसका मैंने स्क्रीन uh, शॉट भी भेज रहे हैं आपको मुझे स्क्रीन शॉट भेजने की जरूरत नहीं है जब आप बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो आपने फोर्थ बताया था क्लास में अभी तो मैंने डिस्कस नहीं किया था और बाकी टीचर्स ने यूट्यूब पे थर्ड बताया तो मैम क्या माने बाकी टीचर का माने कि आपको माने अगर अगर पांच लोग ये बोल रहे हैं और सिर्फ आप ही एक ये बोल रहे हो तो वी विल गो विद द मेजोरिटी ना यही सोचोगे हम तो मेजोरिटी के साथ जाएंगे लेकिन अगर आपको मुझ पर थोड़ा सा भरोसा है तो मेरे आंसर पर भरोसा कर लेना मेरे पास लॉजिक है है बता रही है। वो वाला आएगा तो आपको आ, चलो एग शेल डाल तो e e दिया उस पर आपको वॉक करना है।, तो मतलब, एग शेल का मतलब होता है ना मतलब बहुत सावधान रहना ओके इतना सावधान रहना कि सामने वाले ना आपसे गुस्सा ना हो जाए कुछ ऐसा काम करना मतलब एकदम सावधान रहना ताकि आप

मतलब सिर्फ अपने घर के बारे में सोचना इसका मतलब क्या है फेदर योर ओन सिर्फ अपना 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 ऑफिस में सिर्फ अपने बारे में सोचना इसका मतलब है ना गलत तरीके से पैसे बना ओके गलत तरीके से पैसों का मतलब अपने लिए काम करना पैसे बनाना खास करके फेदर योर ओननेस पैसे टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाय वे ऑफ डिसऑन क्यों नहीं होगा बी का मतलब होता है ना सिर्फ चलना वॉक करना वॉक करना मतलब सावधानी पूर्वक चलना तो वॉकिंग का मतलब ये ये लिटरल मीनिंग नहीं है ना कि वॉक करना तो यहाँ भी वॉक करना वॉकिंग ऑन का मतलब है कुछ ऐसा नहीं करना कि सामने वाला आपसे गुस्सा हो सामने वाले को आप इंसल्ट कर दें फेदर योर गलत तरीके से पैसे बनाना जैसे एक तो पैसे गमन करना गबन करना होता है पैसे गबन करने को बोलते हैं ये लिख लो साइड में सिर्फ एंड ऑफ ओके ये आपको क्लोजेस्ट में हेल्प करेगा या तो फिलअप में ये वर्ड आएगा इसका हिंदी होता है गबन करना मतलब गलत तरीके से पैसे ऑफिस वगैरह से पैसों का गलत यूज करना सिफ एंड ऑफ मनी नेक्स्ट वाला निदर फिश नॉर फाउल ना तो फिश है ना तो फाउल है फाउल भी एक तरह का चिकन और मतलब फाउल चिकन वाले कैटेगरी में है ना फिश है ना फाउल है। ना पूरी तरह से फिश ही दिख रहा है ना फाउल ही दिख रहा है पक्षी के सेंस में ही है मुर्गी ये वाला फाउल मत समझ लेना ये फाउल का मतलब है गलत तरीके से ओके अनफेयर ओके जैसे आपने कोई मैच वगैरह में गेम वगैरह में कोई फाउल नहीं करना है ओके okay, अनफेयर मतलब बेमानी नहीं करना और एक होता है फाउल स्मेल फाउल स्मेल का मतलब होता है बहुत गंदा स्मेल फाउल स्मेल इज बैड स्मेल स्पेलिंग देख लेना ये फाउल का मतलब होता है एफ ओ यू एल ये फाउल तो चिकन वाल ना पूरी तरह से ना ये तो फिश की कैटेगरी में है ना तो फाउल की कैटेगरी तो कोई ऐसा चीज जिसको किसी जिसको डिस्क्राइब करना मुश्किल ओके okay, जिसको हम डिस्क्राइब करके किसी कैटेगरी में डाल सकते हैं तो समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासिफाई कौन कैटेगरी में डाले मतलब क्लियर नहीं पता चल फील ऑकवर्ड नहीं <laughs> वो तो फील ऑकवर्ड ये तो फिश आउट ऑफ वाटर है आई एम फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे मछली अनकंफर्टेबल फील करोगी आप कहीं ऐसा पार्टी वगैरह में जाते हो जहाँ पे कोई जान पहचान नहीं है तो आप बोलते हो ना like अनजाने लोग ये भी आपने किया था elephant in the room. रूम में आपका elephant बैठा हुआ है और उस elephant को हटाना नहीं चाहोगे आपको पता है कि जाऊंगा एलिफेंट के साथ सामने रूम में बैठा है तो उसको चुपचाप बैठने दो उसके साथ छेड़छाड़ करूंगा तो अटैक करेगा एलिफेंट इन द रूम का मतलब है वो प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम दिख रहा है बट हम उसको जानबूझकर अवॉइड करते हैं ओके अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब बहुत क्लियर प्रॉब्लम दिख रहा है फिर भी हम अवॉइड जितना हो सके जितना हो सके उसको अवॉइड करो प्रॉब्लम को पता है जहाज जा चुका है और आपने मिस कर दिया का मतलब यह शिप निकल चुका है ओके okay, चिड़िया चुग गई खेत चिड़िया चुग गई खेत का मतलब होता है कि आप, मौका आपने गंवा दिया है, आप और जब मौका था तो आपने किया ही भी ऐसा EDM नहीं है जो आपके ई बुक में नहीं मुझे लग रहा है कि फाइव में फाइव आया हो और ए टू जेड सीरीज में भी एडीएम का जो है उसमें आपने पढ़ लिया सेल्ड यू मिस द बोट आपने अपने बोट को मिस कर दिया मतलब आपने अपॉर्चुनिटी कमा तो फोर भी आया है कौन सा रॉन्ग हो गया कौन सा रॉन्ग हो गया बहुत हो गया फाइव में फाइव भी आए सिनोनिम्स फिर से वर्ल्ड कप वॉज प्रैक्टिस बैच है ना okay, जो अभी आपका एक चल रहा है okay, क्योंकि इस बैच का टू मंथ होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ से हम लोग शुरू कर देंगे एडिटोरियल बेस्ड टेस्ट ठीक है एडिटोरियल बेस्ड आपका पैसेजेस पैसेजेस पीक्यू आर एस तो पीक्यू आर एस तो हम हर लेवल का करेंगे अभी आप थोड़े से स्मार्ट हो गए हो आपको पता चल गया है कि पी क्यू आर एस और क्लोजेस्ट कैसे बनाया जाता है क्योंकि जब इंडिया का पेपर आपके बैच में सॉल्व किया था तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इतना टफ होते हुए भी बच्चों ने आंसर करेक्ट किया था तो नेक्स्ट मंथ से मे मंथ से टेरिटोरियल बेस स्टार्ट होगा यस विनिंग द वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप को जीतना एक बड़ा एक्सिलेरेटिंग मोमेंट था ठीक है एक्सिलेटिंग मोमेंट का मतलब पीसफुल नहीं होगा वर्ल्ड कप जो uh, जीतना उस वॉज अ वेरी एक्साइटिंग वेरी एक्साइटिंग मोमेंट था पीसफुल तो नहीं था ईगर मोमेंट भी नहीं होगा ईगर का मतलब होता है किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक होना के okay, प्रोमिनेंट का दो मतलब होता है एक प्रोमिनेंट का मतलब होता है वेरी फेमस अगर हम किसी व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं ना जैसे ही इज अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी वो एक बहुत फेमस है नामचेन जाना माना और ये मैंने बोला कि ये चीज मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा था एक प्रोमिनेंट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से कोई चीज मुझे बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है प्रोमिनेंट है कोई चीज प्रोमिनेंट है मतलब बहुत स्पष्ट है क्लियर है और कोई व्यक्ति प्रोमिनेंट है मतलब फेमस ओके तो थ्रिलिंग था थ्रिलिंग थ्रिलिंग वेरी एक्साइटिंग बताना है ये ये वाला तो हमने किया था आपका सीडीएस का पेपर क्या था सीडीएस का पेपर संडे को था संडे को था और ये वर्ड या तो मैंने YouTube पे करवाया होगा या तो मैंने प्रैक्टिस बैच में करवाया था मंडे वेंसडे फ्राइडे में से किसी दिन करवाया जस्टिस प्रिवेल्ड न्याय मिला और मर्डरर वाज डैश अब थोड़ा सा दिमाग दिमाग लगाओ अगर आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता है ठीक है मैम मेरे को ना डी कैपिटेटेड का मतलब नहीं पता है जस्टिस न्याय प्रिवेल किया है और मर्डर को मर्डर मतलब जिसने मर्डर किया था उसको डिसमिस कर दिया गया नहीं जब वो मर्डर है अगर जब वो आदमी मर्डरर है तो उसको कैसे डिसमिस कर देंगे और कहाँ से उसको न्याय मिले, मिलेगा अगर आप किसी मर्डरर को ओके okay, जिसने मर्डर किया है उसको डिसमिस कर देते हैं छोड़ देते हैं तो न्याय कहाँ से मिलेगा डिस्चार्ज का मतलब भी छोड़ देना मास्टर कहाँ से छोड़ोगे अगर आप किसी मर्डरर को किडनैप कर लोगे तो कहाँ से आप जस्टिस मिलेगा बी हेड का मतलब होता है सर काट क्या किया गया है कि आ, उस मर्डरर का सर काट उसने गलत किया था मर्डरर का उसको फांसी दे दी गई उसका सर काट दिया गया और जस्टिस तो बी हेड करना मतलब हाँ हेड करना बी हेड मतलब हेड अपना अपना गर्दन काट दिया गया थोड़ा सा आप लोग उसी लिए मॉक्स बनाइए मॉक्स बहुत सारा बना के जाइए और मॉक्स में ना एलिमिनेशन टेक्निक सीख के जाइए एलिमिनेशन टेक्निक एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट कौन सा ऑप्शन फिट होगा तब जब आप किसी ऑप्शन में स्टक हो जा रहे हो जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ तो करना है ना छोड़ना नहीं है। हेड काट हेड करना धड़ा सर धड़ से सारा अलग। द होटल रूम हैड डिंजी वॉल पेल पेल का मतलब होता है ना पेल कलर बहुत पीला पड़ जाए ना डल क्लाउडी का मतलब भी है अनक्लियर और हेजी का मतलब भी है धुंधला अनक्लियर हेजी हेजी का मतलब भी सिनोनिम्स कर रहे हैं तो ये नहीं होगा इसका मतलब भी अनक्लियर है तो होटल में डिंजी आपको लगेगा ये सब हो सकता है डिंजी का इसके जो दीवार थे ना ये जो होटल रूम था इसका दीवार अनक्लियर कहाँ से हो जाएगा दीवार जो होता है वो तो क्लियर दिखता है हो सकता है दीवार की पेंटिंग हो सकता है क्लियर ना दिखे बट दीवार तो दिख ही रहा है तो नहीं दीवार जो था बहुत डार्क भी था उसकी दीवारें होटल रूम की और डिंजी एलिमिनेशन मेथड करना है क्योंकि आप आपके पास एक बहुत अच्छा आप गिफ्टेड हो कि आपका एग्जाम्स ना एमसीक्यू है आपका एग्जाम्स डिस्क्रिप्टिव नहीं है डिस्क्रिप्टिव में तो कोई भी एलिमिनेशन वगैरह चलता नहीं है डिस्क्रिप्टिव में तो अच्छे से तैयारी करके जाना होता you are lucky आपका एग्जाम है एक तो फास्ट का मतलब होता है तेज और एक होता है फासन वर्ड फासन का मतलब बंधे रहना किसी चीज से एकदम दृढ़ होना तो फैस्टिडियस लोग वो होते हैं ना जिसको खुश करना बड़ा मुश्किल है मतलब वो छोटी छोटी चीजों को लेकर एक्सेसिव केयर मतलब छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं एक्सेसिव केयरफुल होना जरूरत से ज्यादा केयर जैसे मिट्टी का कलश मेटिकुलस मिट्टी का कलश को लेकर आप बहुत केयरफुल होते हो ताकि वो टूट ना जाए तो फर्स्टिडियस लोग को खुश करना बड़ा मुश्किल है वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज बिकॉज उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए और वो छोटी छोटी चीज को लेकर बहुत केयरफुल रहता है ताकि कोई गलती ना हो जाए तो फॉर्स्टिडियस पॉजिटिव वर्ड है और इनअटेंटिव नेगेटिव वर्ड है इन In, इनअेंटिव का मतलब होता है केयरलेस अभी हम लोग सिनोनिम कर रहे केशव, केशव ने केयर बहुत केयर से ठीक है केयरलेस केयर थोड़ी बोलोगे केयरलेस केयर थोड़ी बहुत केयर से सारे इवेंट को प्लान किया था अनइंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग केयर होता है बोरिंग केयर रोमेटिकस बहुत केयरफुली तो थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं ना इस इवेंट को बहुत केयर से प्लान किया था केयर से प्लान किया था मतलब कुछ पॉजिटिव है ना और ये तीनों तो नेगेटिव वर्ड है ये ये नेगेटिव 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 है 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 बोरिंग भी है, ये भी है, तो रॉन्ग नहीं होता ये ही आ, हर लेफ्ट लेग वॉज पैरलाइज उसका लेफ्ट लेग पैरलाइज हो गया था ठीक है मूव नहीं कर पा रहा था ड्यू टू अ डिजीज डेबिलिटेटिंग का मतलब बताना हमने हमने बिल्ली से किया था ना डेबिलिटेट करना डेबिलिटेट करना मतलब किसी भी चीज को वेरी वीकेंड वीकेंड के सेंस में बताया था वीक वीकनिंग के वीक, वीक के सेंस में इनफीबलिंग फीबल का मतलब भी बताया था फी फी नहीं दे पा रहा है बेचारा कमजोर है तो यहाँ पे देखो सैड तो होगा नहीं स्ट्रेंज का मतलब है विचित्र क्रिटिकल का दो मतलब होता है एक क्रिटिकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट और एक क्रिटिकल का मतलब होता है वेरी सीरियस तो आपके दिमाग में जा सकता है कि मैम सीरियस डिजीज भी तो हो सकता है लेकिन यहाँ पे इसका मतलब बताना है डेबिलिटेटिंग का मतलब है ना कोई चीज आपको अपंग कर देना ओके okay, क्रिपल कर देना क्रिपल क्रिपल आपके दिमाग में क्रिटिकल भी आ सकता है बट डेबिलिटेट का मतलब क्रिटिकल uh, नहीं होता है इसका मतलब बताना ठीक है हम लोग ये सीनिम्स है ठीक है ये सेंटेंस फॉर्म में डेबिलिटेट करना मतलब किसी भी चीज को बहुत वीकेंड कर देना कमजोर कर देना अब कई बार मैंने आपको ये वर्ड बताया है आप लोग कभी कभी ऐसा ऐसा मैम लिख देते थे ना आजकल तो बच्चों ने छोड़ दिया पहले ना मैम मैम का स्पेलिंग यही लिखते थे तो मैं बताती थी देखो मैम का स्पेलिंग ऐसा वाला क्या ये मेम करना मतलब किसी को अपंग कर देना और वहीं पे लिखती थी क्रिपल करना अपंग कर देना मूवमेंट वगैरह रोक देना वीक वीकेंड कर देना तो क्रिपल करना क्रिपलिंग का मतलब भी होता है वेरी वीक कमजोर अपंग करना इंजोर करना अपंग नहीं करना था मजाक मजाक में आपको डांटते हुए कई बार क्रिटिकल नहीं आप बोल सकते हो ठीक है उसको बहुत क्रिटिकल डिजीज हुआ था सीरियस डिजीज हुआ था बट कहीं से डेबिलीटिंग का मतलब क्रिटिकल या सीरियस नहीं ये मैंने आपको हाँ ओके आपको गंभीर बीमारी बोल सकते हो लेकिन यहाँ इसका मतलब गंभीर थोड़ी होता है क्रिपल करना सबसे पहले आंसर दिया ओके जवाब यही बात हाँ ये तो होमोनिम्स है समंद्र मंथन का जो बुक है उसमें भी ये सब है एक आध दो नहीं है जिसको मैं ऐड कर ठीक है इसको मैं ऐड कर यूट्यूब पे भी करवाया था अन अकेडमी पे जब मैं पढ़ाती थी ना उस समय बहुत डांटती थी बच्चों को ये मैम का स्पेलिंग गलत गलत लिख देते हो इंजर नहीं करो मेरे को पढ़ाने दो ऐसा ऐसा डांट तो मेरे डांट में भी वर्ड पावर होता है काइंडली उसको नोट कर लीजिए क्रिपल करना अपंग कर देना ये कितनी बार आपको बताया है ऐसा आ गया है ना इसको देख के बेहोश मत होने लगना कि अरे क्या है इतना लेंदी लेंदी बस देखो कॉम्प्लीमेंट ये कॉम्प्लीमेंट सॉरी uh, ये तो कितने बार किया ये कॉम्प्लीमेंट करना मतलब तारीफ करना पी एल आई वाला तारीफ ठीक है तारीफ कहाँ तारीफ करना कहा है ये तारीफ बड़ा अच्छा दिया है ये तो बड़ा अच्छा दे दिया, ये दे दिया है ये तो बहुत ज्यादा एक ही बार में सब हो गया और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक ओके okay, कंप्लीट करना मैन इज अ कॉम्प्लीमेंट टू वुमेन मैन के बिना वेमेन अधूरे वुमेन के बिना एक दूसरे की पूर्ति करते हैं जैसे जैसे आपने कोई ड्रेस पहना और मैं बोलूंगी ना कि ये वाला टाई पहनो ये आपके ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा ये आपके ड्रेस के साथ बहुत अच्छा मैच करे तो बड़ा इजी दे दिया अभी तो मैं सोची थी ना कि कुछ छाटना वाटने का काम करूंगी बट इजी है ना तारीफ करना और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब ब्लेंड वेल ब्लेंड मतलब मिक्स हो रहा बहुत अच्छे से तुम्हारे ड्रेस के साथ जा रहा ओके नेक्स्ट हैं ये जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं और वैसे यूट्यूब okay, को पता होता है ना मेरे बच्चे बच्चे होते हैं मैंने जैसे वाले बच्चे बोलेंगे मैम हमें तो नहीं बताया है। जब भी आपको याद होगा जब भी मैं ये बताती हूँ ना डिफाई हाँ या ना एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना स्ट्रेस करके क्योंकि टीचर्स को पता होता है ना इतने सारे पेपर वो सॉल्व करवा चुके होते हैं टीचर्स को पता होता है कि ऐसा टाइप से आता है जब भी मैं ये डिफाई बताती है तो मैं आपको ये भी बताती थी कि देखो इस पे कंफ्यूज मत होना इसको मैंने आपको डेटी से याद करवाया था ये डिफाई करना मतलब किसी का विरोध करना ऊपर वाला प्रोटेस्ट करना किसी को अपोज करना विरोध और ये डिफाई को बता दी थी, थी कि देखो कंफ्यूज मत होना आई लगा आई डेटी डेटी मतलब देवी और देवी की पूजा करते हैं तो ये डिफाई करना मतलब किसी की पूजा करना किसी को भगवान वाला स्थान देना वर्षिप करना पढ़ाया है हाँ 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 बोल रहे हैं और कुछ तो बोलेंगे मैम यस पढ़ाया था बट याद ही नहीं था लिखवाया है है मैंने DeFi और DeFi बहुत बार बताया तो तो देख लो क्या है? ये DeFi, -E तो ये डी ई एफ वाला जो डिफाई है ना इसका मतलब है अपोज करना विरोध करना तो विरोध करना कहाँ है अपोज है देखो ये वाला कहाँ चला ये वाला डिफाई का मतलब है अपोज करना ठीक है ये तो उल्टा कर दिया और यहाँ भी ये डिफाई का मतलब है अपोज और ये भी डिफाई का मतलब है अपोज चलो इस तीनों में से तो ये तीनों ठीक है और ये डिफाई का मतलब होता है डिफाइन करना नहीं किसी चीज की परिभाषा नहीं देना ये डिफाई का मतलब डिनाई नहीं होता है इसी डिफाई का मतलब होता है डिनाई करना तो आंसर इज देखो टू करफर अपॉन द स्टेटस ऑफ गॉड किसी को भगवान का दर्जा देखना तो यहाँ पे भगवान का दर्जा देना सम्मानित करना वर्शिप करना आंसर इज कुछ नहीं है बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया सेंटेंस में डाल दिया वो नॉर्मल एग्जाम्स में क्या करते ऐसा कर देते डिफाई है और ऐसा डाल देते एक ऑप्शन में अपोज और एक ऑप्शन में सिनोनिम में डाल देते वर्शिप ओके नॉर्मल में सिन्म uh, एंटोनिम्स में ऐसा आता है बट इन्होंने सेंटेंस में पूछ दिया सेंटेंस में पूछ दिया और भी काम इजी हो स्टेशनरी है स्टेशनरी इजी है कोई चीज आपको लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगे लिख लीजिए ये भी कितनी बार पढ़े हो एन ए आर वाई एन ई आर वाई ये स्टेशनरी का मतलब होता है ना एकदम स्टिल स्टिल मतलब कोई मोशन नहीं हो रहा है नो मूवमेंट स्टेशनरी नो कोई मोशन वगैरह नहीं हो रहा कोई भी चीज एक जगह रुका हुआ है और ये स्टेशनरी जो कॉपी पेंसिल खरीदते हो आप स्टेशनरी शॉप पे जाके बुक्स कॉपी पेंसिल वाला खरीदते हो वो वाला तो ये देखो ये एन ए आर वाई का मतलब स्टिल होता है तो ये तो गलत है उल्टा कर दिया ये स्टेशनरी का मतलब है ये राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल कॉपी पेंसिल वाला और ये स्टेशनरी का मतलब स्टेशन होता है नहीं ये मत सोचना ये स्टेशनरी का मतलब है कि स्टेशन पे है ये भी हट और स्टेशनरी मीन्स ये उल्टा कर दिया एन ए आर वाई का मतलब स्टिल होता है ये हट गया ये स्टेशनरी का मतलब लिखने और पढ़ने वाली चीज और ये स्टेशनरी इमोबाइल मोबाइल का मतलब है जो मूव कर सकता है मोबाइल फोन लेके इधर उधर घुम घूम के बात करते हो ना मूव कर कर अरे मोबाइल मतलब मूव हाँ एक मास्टर master और मास्टरली वाला ना वो बुक में नहीं है उसको मैं डाल दूंगी जहाँ पे सबका गलत बुक का समंदर मंथन बुक का फिर से रि, रिविजन होगा ना आ जाओ ये भी किया है ये प्लैक वर्ड में जो हमने रूट वर्ड में प्लैक किया था ना प्लैक प्लैक का मतलब होता है प्लैक मतलब किसी को शांत करना संतुष्ट होना कम्प्लेसेंट लोग होते हैं ना जो अपने आप से खुश है अपने आप से सेल्फ सैटिस्फाइड और ये कंप्लेसेंट भी बुक में भी है ये कंप्लेसेंट का मतलब होता है ना जो हमेशा दूसरे को प्लीज करने के लिए कंप्लेसेंट लोग होता है जो हमेशा दूसरे को खुश करने के लिए रेडी रहते हैं तो मतलब दूसरे को उन्हें खुश रखना है रेडी टू प्लीज तो शांत करना प्लीज करना खुश करना तो देख लो कंप्लेसेंट का मतलब अपने आप से सेटिस्फाइड है तो यहाँ पे सेटिस्फाइड ना लिख के देख लो पहले आप बताओ कंप्लेसेंट मीन ओवर कॉन्फिडेंट ट मीन्स कॉन्फिडेंट कम्पलिस ईगर टू प्लीज ये तो चलो ये कंप्लेसेंट का मतलब है हमेशा किसी को खुश करने के लिए रेडी रन तो इसी में से होगा ना तो पहला ये तो दोनों रॉ अब दूसरा देख लो एंड कंप्लेसेंट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट तो अब बोलोगे मैम कंप्लेसेंट का मतलब तो सेल्फ संतुष्टि होता कभी कभी हम लोग होते हैं ना अपने लाइफ से बहुत संतुष्ट है हम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है हमको लगता है कि हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है जो है ठीक है तो ये नहीं होगा ना मैनिफेस्ट मतलब शो यूनिवर्सली किसी चीज को शो करना नहीं Answer is, नहीं नहीं सी कहां से हो जाएगा सी नहीं होगा ना डी होगा अब बोलो ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी क्या होता है ना हमें और कुछ नहीं चाहिए हम खुश है कभी कभी आपका कंप्लेसेंसी ओवर कॉन्फिडेंस की तरह काम अरे सी नहीं होगा सी का मतलब है एंड कंप्लेसेंट मीन टू मैनिफेस्ट Manifest का मतलब होता है शो करना यूनिवर्सली किसी जिसको शो करना थोड़ी है क्योंकि दिमाग में आ रहा होगा मैम सेल्फ हमें नहीं चाहिए मैं संतुष्ट हूँ डी होगा इंक्वायरी ये भी बताया है. आ, ये मैंने कैसे एग्जाम्पल दिया था कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो इंक्वायरी है आपकी काउंसिलर बैठे रहती है काउंसिल से, से पूछते हो ना कि कब बैच स्टार्ट होगा क्या क्या है तो ये इंक्वायरी करना जाते हो, जाते हो वहां से सिर्फ इंफॉर्मेशन ले information. और ये जो पुलिस जो इंक्वायरी करती है ना लीगल आई एन वाला लीगल जो पुलिस पूछताछ करती है लीगल इन्वेस्टिगेशन वो आई हो ये तो हमने किया है क्लास ओके okay, पुलिस वाला आई होता है और नॉर्मल इंक्वायरी करने जा रहे हैं ना इंक्वायरी तो देखो इंक्वायरी मीन्स टू सी ये वाला ना ये पुलिस वाला है पुलिस इंक्वायरी वाला ये है लीगल इंक्वायरी और ये तो सिंपली इन्फॉर्मेश इंक्वायरी मींस एक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर ये सेरेमनी होता है ना अवार्ड सेरेमनी आपके कॉलेज वगैरह में कोई सम्मान सेरेमनी होता है तो ये इंक्वायरी मीन्स तो इन्वेस्टिगेट नहीं होता ना आई वाला इन्वेस्टिगेट और क्या होगा ये इंक्वायरी का मतलब है इंफॉर्मेशन लेना और आई वाला का इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल लीगल फर्स्ट 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 नेक्स्ट हाँ <laughs> ये वाला ये वाला जो क्वेश्चन है ठीक है मास्टरफुल एंड मास्टरली मास्टरली तो सबको पता है मास्टरली का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्किलफुल होना किसी चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ठीक है मास्टरली का मतलब है अरे ये तो मास्टर है किसी चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है बहुत प्रोफिशिएंट है बहुत निपुण है कॉम्पिटेंट तो ये देखो ये देखो ऑटोक्रेट तो का मतलब होता है तानाशाह ठीक है ऑटोक्रेट तो का मतलब होता है डिक्टेटर डिक्टेटर तानाशाह लोग तो मास्टरली का मतलब तो ये होता है ना स्किलफुल होता है तानाशात छात्र इम्पेरियस का बहुत सारा मतलब जाता है एक इम्पेरियस का मतलब होता है एरोगेंट भी है घमंडी भी है और एक इम्पेरियस लोग जो बहुत ज्यादा डोमिनियरिंग होते हैं okay, ओके वेरी डोमिनियरिंग अपनी बात मनवाना एकदम पावरफुल बहुत अथॉरिटेटिव अथॉरिटेटिव का मतलब होता है सिर्फ अपनी बात पेरेंट्री भी बोलते हैं ओके okay, अपनी बात मनवाना घमंडी उनको लगता है कि मतलब सामने वाला दिखाना है ना कि मैं आपसे ज्यादा पावरफुल मैं अथॉरिटेटिव हूँ अपनी बात ओके okay, थोड़ा ध्यान से सोरे मेरी बात को ओके okay, तो ये जो मास्टरली है ना मास्टरली का मतलब तो स्किलफुल हो ठीक है स्किलफुल होना किसी चीज में तानाशाह नहीं होना स्किलफुल होना तो पहला दो तो हट गया ठीक है पहला दो हट पहला दो हट गया अब इसी चीज को लेकर बच्चों का कंफ्यूजन था बच्चे मेरे टीम के पास भेजे थे और मेरे पास भी एक दो आए थे कि मैम सब टीचर्स ने ना ये आंसर बताया लेकिन जब जिस दिन सीडीएस का एग्जाम हुआ था मतलब संडे के बाद जो मंडे आया था तो वहां पे क्लास में मुझसे बच्चों ने पूछा था तो मैंने ये आंसर बताया ठीक है ऑटोक्रेट ऑटोक्रेट ऑटो मतलब सारा पावर एक ही आदमी के हाथ में तानाशाही ओके okay, उस समय मैंने अपना आंसर ये बताया था और बाकी बहुत सारा यूट्यूब चैनल्स पर डिस्कस किया गया ये आंसर बताया गया ये आंसर बताया गया बट ये आंसर नहीं होगा इसके लिए मैं श्योर हूं बता रही हूं क्यों नहीं ठीक है ये आंसर नहीं होगा ये भी आंसर यही आंसर होगा कई सारे जगह पे ना मास्टरफुल का मतलब होता है लीडर लाइक लीडर की तरह लीडर की तरह अब मैं दोनों के बीच का डिफरेंस बताता हूँ सुनो इसके पीछे का आपको लॉजिक भी चाहिए होगा कि मैम ऐसा क्यों देखो ये तो मास्टरली ये मास्टरली का मतलब होता है ना स्किलफुल होना चलो ये तो ठीक और ये जो मास्टरफुल जहाँ पे मास्टरफुल को लीडर लाइक -like बताया गया है लीडर लाइक -like का मतलब है लीडर की तरह ठीक है तो एक लीडर का क्वालिटी सिर्फ पावर मतलब एक लीडर का क्वालिटी तानाशाह वाला थोड़ी होता है लीडर में तो बहुत सारे और क्वालिटीज होते हैं ध्यान से मेरी बात को सुनना लीडर लाइक बताया है जबकि ये आंसर नहीं है मास्टरफुल वो लोग होते हैं ना मास्टरफुल वो लोग होते हैं जो थोड़े से तानाशाह टाइप एकदम डोमिनेयरिंग मतलब किसी पे भारी पड़ना लीडर आप पे भारी नहीं पड़ते हैं लीडरशिप क्वालिटीज लीडर तो सारे जनता की बात सुनते हैं ओके okay, लीडर का क्वालिटी ये नहीं होता है कि लीडर को तानाशाह होना होता है हो सकता है कि लीडर का एक क्वालिटी में से तानाशाह वाला क्वालिटी भी हो सकती है लीडर लाइक -like का मतलब होता है एक लीडर की तरह तो लीडर हो सकता है थोड़ा सा पोलाइट भी हो लीडर में तरह तरह के क्वालिटीज़ का का मतलब है, एक लीडर लीडर सबको लेके चलते हैं हैं अपने पूरे जनता नेतृत्व करते लीडर में बहुत सारी क्वालिटीज होती है और लीडर के एक क्वालिटी में से तानाशाह भी हो सकता है बट लीडर में और भी तो क्वालिटीज होते हैं लीडर लाइक का मतलब थो मास्टरफुल मतलब थोड़ी होता है मास्टरफुल का मतलब होता है एकदम तानाशाह अच्छा थोड़ा सा और अगर मैं बोलूं कि लीडर और मास्टर में क्या डिफर ठीक है लीडर और मास्टर में क्या डिफरेंस है और आपने ये वर्ड सुना होगा मास्टर एंड स्लेव ये वर्ड सुना है मास्टर वर्सेस स्लेव जहां भी देखोगे ना तो मास्टर वर्ड के साथ आ, स्लेव रहता है ठीक है लीडर वर्ड के साथ स्लेव नहीं रहता स्लेव का मतलब हाँ ध्यान से दोनों एडजेक्टिव है दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है कभी भी ना हम लीडर स्लेव का मतलब है गुलाम गुलाम आपकी बात मानेंगे ठीक है गुलाम के साथ ना कभी भी लीडर का कॉम्बिनेशन नहीं आता है गुलाम के साथ हमेशा मास्टर ये जो मास्टर था ना अपने स्लेब से सारा काम करवाता था तो मास्टर वाला मास्टर स्लेव वाला मास्टर एंड सेंस में है तो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव अपनी बात मनवाना अपना पावर यूज करना तो उसी वर्ड से बना है ये मास्टरफुल मास्टरफुल मतलब एकदम डोमियरिंग डोमिनेटिंग लोग अपनी अथॉरिटेटिव अपनी बात मनवाना ओके तो यही वाला हो ठीक है एक बार आपको अगर थोड़ा सा भी कुछ डाउट लग रहा है तो आप एक बार अपना गूगल करके भी अपनी तरफ से कुछ रिसर्च कर वैसे गूगल पे ना बहुत करेक्ट करेक्ट नहीं दिखाता है गूगल पे क्या दिखाएगा ना मास्टरफुल को भी स्किलफुल दिखा दे गूगल से हम थोड़ी पढ़ेंगे और चैट जीपीटी से थोड़ी पढ़ेंगे वो मास्टरली को भी स्किलफुल दिखा देगा और मास्टरफुल को भी स्किलफुल दिखा देगा लेकिन मास्टरली का मतलब लीडर लाइक -like नहीं होता है लीडर की तरह ऐसा थोड़ी है कि जरूरी है कि लीडर okay? लेकिन मास्टरली का मतलब होता है ये जो ये ये जो uh, ये जो 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 मास्टरफुल इसको आप ऑटोक्रेटिक भी बोलते इन्होंने क्या किया है ना इम्पीरियस का वर्ड यहाँ पे अलग डाल दिया ऑटोक्रेटिक का मतलब है तानाशाह तानाशाह भी बोल सकते हो ये जो मास्टरफुल वर्ड होता है इसको आप तानाशाह ऑटोक्रेटिक रीलर अपनी बात मनवाना अपनी बात रखना ओके okay, दिखाना कि मैं ज्यादा प्रभावशाली हूँ तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ ऑटोक्रेट क्यों नहीं होगा क्योंकि ये ऑटोक्रेट इन्होंने मास्टरली के लिए लगा दिया है मास्टरली का मतलब तो स्किलफुल होता है देखो इसने बहुत चलाकी से क्या किया है कि इम्पीरियस का मतलब भी होता है ऑटोक्रेटिक ठीक है और इसका मतलब भी ऑटोक्रेटिक है इम्पीरियस है यहाँ भी इम्पीरियस और ऑटोक्रेटिक का मतलब भी इम्पीरियस ही होता है तानाशाह लेकिन ये तानाशाह वाला वर्ड इसके लिए ओके ओके तो आंसर आंसर इज इज डी डी वाला द करेक्ट ये सब चीज को ना गूगल पे तो और कंफ्यूज कर देगा और कभी कभी देखो थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए ऐसा नहीं है ना कि कहीं से आंसर की कहीं से आंसर की रिलीज हुआ है और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके ना उनका आंसर की देख लो और आंसर की देख देख के अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसे दे, दे, देख देख के पढ़ा दो ऐसा नहीं है ओके okay, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते ऐसा थोड़ी है कि आ, किसी प्लेटफॉर्म पे आंसर दिया जा रहा है तो वो आंसर उनका करेक्ट ही हो आपको अपने से भी रिसर्च करना हो तो हो सकता है कि सब ने वो एक जगह का देख के सबने इसको आंसर कर दिया बट आंसर इज दिस ओके मास्टरफुल का मतलब होता है तानाशाह टाइप वाला बॉर्डर एंड बॉर्डर हाँ मास्टरफुल को थोड़ा सा तानाशाह के रूप में यूज कर डोमिनियरिंग लोग लीडर लाइक नहीं होता है लीडर की तरह अब बोलेंगे अरे ये तो लीडर की तरह है मतलब तानाशाह थोड़ी है बोर्ड अच्छा वो बॉर्डर से करो बॉर्डर का मतलब होता है बाउंड्री बॉर्डर पे बाउंड्री पे तो एक ये हो सकता है रेसिडेंट तो ये नहीं सरफेस okay, भी नहीं होगा अब अब इसी में से होगा क्योंकि आपको बॉर्डर का मतलब पता है ठीक है बॉर्डर का मतलब बाउंड्री पता है तो बाउंड्री एक यहाँ पे यहाँ पे आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा देख लो बोर्डिंग अच्छा बोर्डिंग एंड लॉजिंग ये सब सुने होंगे ना बोर्ड एंड लॉजिंग बोर्डिंग लॉजिंग फूड एंड लॉजिंग बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो या बोर्डिंग में बोर्डिंग का मतलब है कहीं रहने की जगह जहाँ खाना पीना सब तो बॉर्डर ये वाला जो बॉर्डर रहता है ना मीन्स ऑफ फूड एंड लॉज रजिस्टर रेसिडेंट जो लोग बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं किसी लॉज वगैरह में घर से दूर बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं और बॉर्डर है ये तो ए होगा ना सी कहां से हो जाएगा बॉर्डर का मतलब है जो प्लैंक जो रोड पे ये जो टाइल्स और प्लैंक ऐसा डालता है वो बॉर्डर थोड़ी हो ये बॉर्डर मतलब फूड एंड लॉज हॉस्टल वगैरह में रहते हैं बोर्डिंग स्कूल वगैरह कॉन्करेंट एंड कंजेकेटिव कंजेकेटिव तो कितनी बार बताया मैथ्स में भी पढ़ते हो गिव मी थ्री कंजेकेटिव नंबर लगातार तीन नंबर दो एक एक के बाद आने वाला जैसे थ्री फोर फाइव टेन इलेवन टीन एटीन नाइनटीन ये सब कंजेकेटिव होता है और कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कॉन्करेंट का म... मैंने क्या कुछ गलत बता दिया है मैंने कुछ गलत नहीं बताया ना सही बताया सही तो बताया है ये बाउंड्री है बाउंड्री हाँ। तो यहाँ भी है और बाउंड्री यहाँ भी है बट ये वाला का मीनिंग गलत है ना इसलिए थ्री नहीं हो... थ्री नहीं होगा सही तो बताया था कॉन्करेंट का मतलब है जो चीज एक साथ हो एक ही टाइम पे हो रहा है ओके okay, तो तो इसका तो मीनिंग पे सही दे रहा है है मतलब उसके बाद, उसके बाद बाद नहीं हो है, ये हटा ठीक और एक हटा ना नॉन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ नहीं हो रहा है ये तो उल्टा बता दिया अब या तो ए होगा या तो सी होगा और कंजेकेटिव मीन्स अकरिंग वन आफ्टर अदर और ये क्या अकरिंग देर आफ्टर one after other one after other मतलब 10 के बाद 11 11 के बाद 12 ए ये होगा ना एट द सेम टाइम तो सही है बट कंसेक्यूटिव का मतलब अलग है अकरिंग देयर आफ्टर उसके बाद नहीं कोई भी चीज एक के बाद एक लगातार कॉन्करेंट का मतलब है एक ही टाइम पे और कंसेक्यूटिव मतलब एक-एक करके एक के बाद दूसरा एपिटाफ है, एपिथेट एपिटाफ तो आपको वन वर्ड में पढ़ा है एपिटाफ अपने वन वर्ड में पढ़ा है एपिथेट से करो किसी के कब्र पे ओके okay, किसी के कब्र पे जो कुछ लिखा हुआ होता है उनके ऑनर में उनके सम्मान में कुछ शब्द लिखे हुए, हुए। ये 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 का मतलब होता है कब्र नहीं है कब्र पे लिखे हुए वर्ड्स लिखा हुआ होता है उसके सम्मान में जो शब्द लिखा हुआ है तो वर्ड्स होगा ठीक है तो यहाँ तो कब्र के बारे में बोला ये तो मीन्स वर्ड्स रिटन ऑन टूम स्टोन एंड अनस्पोकन वर्ड्स ये भी नहीं होगा अनस्पोकन वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स नहीं बोला गया है। लेकिन यहाँ तो बोला गया है। लिखा ही है तो सी हटा और ये हटा या तो आंसर बी होगा या तो आंसर डी होगा का तो दोनों वर्ड्स ऑन अ सही है और एपी थेट का मतलब होता है कोई ऐसे फ्रेज जो जिसके थ्रू हम किसी व्यक्ति की विशेषता बता विशेषता बताते, बताते। हैं हाँ। तो आंसर इज एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट का मतलब होता है ना क्वालिटी किसी व्यक्ति के कोई फ्रेज यूज करके ये हम जनरली पोएट्स और ड्रामाज में यूज करते हैं ठीक है देखो ये वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच से एरर आ नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं फिगर ऑफ स्पीच का एरर आया एक, एक आ, कोई फ्रेज को यूज जनरली हम लोग नॉवल्स पोइट्रीज ड्रामाज में यूज करते हैं एपिथेट को किसी व्यक्ति के क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के अच्छा ये तो नहीं होगा एपिग्राम का मतलब बताना एपिग्राम आपके वन वर्ड में है एपिग्राम बताना वन वर्ड में है वन वर्ड वाला जो शीट है उसमें दिया हुआ है या तो किसी ऑप्शन में होगा या

entertaining witty discomfort या <coughs> discomfort ये तो कर ले कर लोगे आप अम्यूजिंग आपके वन वर्ड में डाला है मैंने <coughs> कोई स्टोरी जो बहुत ज्यादा अम्यूजिंग हो एंटरटेनिंग हो दुख वाला नहीं हो डिस्कम्फर्ट <coughs> कंफर्टेबल होना आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो किसी चीज को लेकर एट ईज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो अच्छा महसूस तो कर रहे हो कोई दिक्कत-विक्कत नहीं है कंफर्ट का मतलब होता है <coughs> कंफर्टेबल हो ना डिस्टर्ब नहीं होना ईजी है मतलब कोई चीज आपके लिए ईजी है और कम्फर्टेबल <coughs> तो उसी तरह डिसकम्फर्ट का मतलब भी है आपको कोई दिक्कत हो रही है बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हो वो है और ये जो डिसकम्फर्ट वर्ड है ना हो सकता है ये आप रॉन्ग करके आ किसी को आप डिस्कंफर्ट कर रहे हो मतलब उसको एम्बेरेस कर किसी को ऑकवर्ड सिचुएशन में डालना ऑकवर्ड सिचुएशन में डालना तो ये डिसकंफर्ट फील करना अनईज बहुत ज्यादा इजी फील नहीं कर रहे ओके अन ईज में हो नॉट यू आर नॉट एट ईज और ये है किसी को एम्बेस कर शर्मिंदा वाला स्टेट में डाल ठीक है ओके okay, तो आई थिंक आज एंड हो गया